नमस्कार गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 का जो है आमना सामना, इनकी जो टक्कर है वो बराबर की। हमें मिली है एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें जो है व्यूअर्स ने जो है अपना इंटरेस्ट शो किया है कि भाई जो है लोग यानी पब्लिक जो है वो सबसे ज्यादा जो है किस मूवी में इंटरेस्टेड है, वो हम रिपोर्ट शेयर करने आ रहे हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है कार्तिक आर्यन जो कि भूलभुलैया 3 के जो है सुपरस्टार है, उनके जो है व्यूज हम शेयर करने वाले हैं इस क्लेश को लेकर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप चैनल पे नहीं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन क्लिक करें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको वक्त बवक्त मिलती रहे। यार ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें मिलती है बहुत सारी मोटिवेशंस। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं न्यूज की तरफ। दोस्तों सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 का जो है क्लैश, इनका जो आमना और सामना एकदम जो है खतरनाक तरीके से जो है चल रहा है भाई। दोनों मूवीज जो है अपनी जगह डटी हुई है। तो भाई कार्तिक आर्यन ने फाइनली जो है अपना जो है मुंह खोल ही डाला इसको लेकर। उन्होंने कहा कि यार जो है दिवाली इज द लॉन्गेस्ट हॉलीडे। वैसे भी यार जो है ईयर के जो है 365 डेज है उसमें जो है ये कुछ फेस्टिवल वाले दिन ही होती है जिस दिन जो है मेकर्स अपनी बढ़िया से बढ़िया जो है मूवी है शेयर करते हैं। तो भाई अभी इन दोनों मूवीज को जो है एक और चैलेंज पार करना है, वो है सलमान खान की मूवी टाइगर 3। लास्ट ईयर दिवाली पे जो है सलमान खान की टाइगर 3 मूवीज थी उसकी जो है 94 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। तो भाई वो भी जो है उसका भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना है। और इसके अलावा भाई जो है इन्होंने आमने सामने एक दूसरे का भी मुकाबला करना है। लेकिन याद रहे कि भाई जो है कार्तिक आर्यन ने क्लियरली कह दिया है कि भाई जो है दिवाली की जो हॉलीडेज होती है ये भाई लॉन्ग लास्टिंग जो है हॉलीडेज होती है। तो भाई इसमें दो मूवीज कैन सर वेरी इजीली। और वैसे भी यार जो है दोनों जो है ये सेपरेट ही प्रोडक्ट्स है, एक जो है हॉरर कॉमेडी और जो है एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है तो भाई दूसरा एक्शन पैक्ड जो है एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। दोनों की अपनी अपनी लेवल है। लेकिन यार दोनों मूवीज की अगर देखा जाए तो भाई भूलभुलैया 3 में देखा जाए जैसे माधुरी दीक्षित है, विद्या बालन है, द्रौपदी डिमरिया और कार्तिक आर्यन यार अभी उनका जो है सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, उनमें यार एक मस्त किस्म की डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक अमेजिंग जो है मीम उससे स्टार्ट होता है। मतलब मूवीज यार ये भी बहुत ही एंटरटेन है। लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिली है उसमें जो इसका पलड़ा लिटिल बिट हल्का जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भाई ये प्रोडक्ट कमजोर है। भाई दूसरी तरफ रोहित शेट्टी की कोप यूनियस की अगर मूवी की बात करें भाई सिंघम अगेन में भाई अजय देवगन सर से लेकर करीना कपूर, दीपिका पाडुकोण, शेरनी यानी शक्ति शेट्टी यार बड़े से बड़े स्टार्स एक्टर और एक्टर टाइगर श्रॉफ हो गए, जेके शरीफ हो गए, इसके अलावा भाई जो है रणवीर कपूर, बड़े से बड़े एक्टर्स इसमें डटे हुए हैं। तो भाई इनकी जो मूवीज है जो भी गई है कोप यूनियस की सारी सक्सेस ही गई है इसी सीरीज की, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भाई अभी लोगों के जो है इसका जो सिंघम अगेन का नशा है उनके सर में बिल्कुल एकदम जो है उनके सर में चढ़ा हुआ है इसका नशा और सारे लोग जो है इसको देखना चाहते हैं। लेकिन एक सर्वे जो है वो शेयर की गई थी जिसमें यार जो है ये शेयर हुआ है कि भाई जो है 47% जो है लोग वो सिंघम अगेन को देखना चाहते हैं और 37% जो लोग हैं वो भूलभुलैया 3 को देखना चाहते हैं। इसका मतलब यानी सिंघम अगेन का पल्ला 10% भूलभुलैया 3 से जो है एकदम भारी लग रहा है। लेकिन दोनों मूवीज यार लेवल की है और मैं पर्सनल यार दोनों मूवीज को जो है देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। और कार्तिक आर्यन सर ने भी यही कहा है कि भाई जो है ये जो दिवाली आने वाली है इसमें जो है लोग जो है दोनों मूवीज को जो है देखना चाहेंगे और दोनों मूवीज जो है अपने अपने हिसाब से अच्छी मूवी है और दोनों मूवीज अच्छा रन कर सकती है। लेकिन आई होप कि यार आप जो है हमें दिल से ज्वाइन करें। कार्तिक आर्यन सर ने एक आपसे हिम्बल रिक्वेस्ट भी किया और अपनी फीलिंग भी शेयर किया इस क्लैश को लेके। वैसे यार कोई भी मेकर ये नहीं चाहता कि भाई जो है उसकी मूवी को भाई क्लैश का सामना करना पड़े, पर कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है क्योंकि भाई अभी फेस्टिवल है, फेस्टिवल तो एक ही हो सकता है, तो भाई उसमें जो है डिफरेंट प्रोडक्ट जो हो सकती है। वैसे देखा जाए यार दोनों प्रोडक्ट में भी दिन और रात का फर्क है लेकिन फिर भी यार बिजनेस पे तो अफेक्ट होता ही है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो है एक्शन पैक गूज़बम्प्स सिंघम अगेन का पल्ला भारी लग रहा है। लेकिन यार भूलभुलैया 3 भी एकदम जो है मस्त मजा या हॉरर कॉमेडी किस्म की जो है मूवी लग रही है और उसमें जो है समवट रोमांटिक सीन भी याद दिखाए गए हैं। मतलब मेकर्स ने एकदम जो है एक बहुत ही अमेजिंग वे में जो है एक अपना ट्रेलर जो दिया है उसमें यार छोटी छोटी ग्लिम्स यार कैसे एक जादूगर की तरह एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, एकदम अमेजिंग ट्रेलर यार भूलभुलैया 3 का एकदम अमेजिंग है। वैसे अगर देखा जाए यार सिंघम अगेन वही श्री रामचंद्र रावण की जंग हुई भाई, उसमें वो जीता वो हारा ये हुआ, मतलब उसमें जो पुरानी चीजें हैं वो रिपीटेड है। लेकिन यार एक जो भूलभुलैया 3 है एकदम जो है लिटिल बिट फ्रेश पीस लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, हाँ फ्रेश पीस है। लेकिन यार दोनों मूवीज यार लेवल की है यार, दोनों
अभी से यार जो है दोनों को देखने का बहुत ही दिल कर रहा है। लोगों ने तो भाई अभी से काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है। वैसे यार आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, आप भी अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।